वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकली ज्ञान में। आज लेके आए एक और नया टॉपिक आपके लिए, पेप्टिक अल्सर। आपके पेट में घाव हो जाना, अल्सर हो जाना, आपने नाम सुना होगा कि पेट के अंदर अल्सर हो गया है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकली ज्ञान। तो इसके अंदर हम आपको अल्सर होता क्या है, कितनी टाइप से होता है और किस टाइप का कैसे अपने ट्रीटमेंट करते हैं और घर पर भी किस तरीके से हम इसकी केयर करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज पढ़ते हैं पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर मेनली है क्या? देखिए, आपका जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है या फिर आप कह सकते हैं खाना खाने का और पचने का जीआई ट्रैक होता है, उसके अंदर की जो नली होती है, एक पाइप होती है ये, जिससे खाना जाता है अंदर की तरफ और आपके पेट में जाता है। अब इसके अंदर क्या होता है, वो नली होती है, उसके अंदर की जो परत होती है उसे हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर वाली सबसे नाजुक परत होती है उसे म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। इस म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर ही घाव बनना पेप्टिक अल्सर कहलाता है। अब ये पेप्टिक अल्सर जो है, पेट का अल्सर, ठीक है, अब ये है क्या? इसोफेगल जो आपके ये आहार नाल होती है, एक तो इसमें अल्सर हो जाना, दूसरा गैस्ट्रिक आपके जिसमें खाना जाता है स्टमक होता है उसके अंदर अल्सर हो जाना, और एक होता है ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल मतलब जो आपका गैस्ट्रिक होता है, स्टमक होता है, उसके जो लास्ट भाग होता है जहां से ये आंत में जुड़ता है उसे हम ड्यूडिनम कहते हैं, उसके अंदर अल्सर हो जाना, घाव हो जाना, इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसके कारण क्या होते हैं? देखो, इसका मेन कारण होता है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया जो होता है उसकी वजह से होता है, और दूसरा आपके अदर किसी कारण से भी हो सकता है। लेकिन जब ये हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया से होता है तो उसका हम ट्रीटमेंट अलग तरीके से करते हैं। अगर आपके अदर किसी कारण से है तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से किया जाता है। जब इसके अंदर बात करें कि आप लंबे समय तक अगर दर्द वाली दवाइयां, नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग, जो दर्द को कम करने वाली जैसे आइब्रूफेन, कॉम्बिफ्लेम वगैरह आप लंबे समय तक ले रहे हो, निमोसिलाइड, पैरासिटामोल लंबे समय तक ले रहे हो, तो उससे भी आपको ये घाव हो सकते हैं। आपके एसिड ज्यादा बनता है उसकी वजह से भी, लंबे समय तक आप उपवास रखते हैं, भूखे रहते हैं, उसकी वजह से भी, और साथ के अंदर अगर आप दारू ज्यादा पीते हैं, शराब का सेवन ज्यादा करते हैं, स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, या फिर आपको पेट का या लीवर का किसी प्रकार से इन्फेक्शन है उसकी वजह से भी, और एक स्ट्रेस भी इसका मेन कारण माना गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब है कि हम इसमें से दो नामों को ले लेते हैं, एक तो है गैस्ट्रिक, एक होता है ड्यूडिनम। ये दो तरह के अल्सर, मतलब आपको एक तो स्टमक का अल्सर खाने की थैली का, एक खाने की थैली के लास्ट वाला, इनके अंदर कुछ कारण हो सकते हैं। जो आपके पेट का अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर जो होता है, उसके अंदर वो 50 से 60 70 की उम्र होती है, उस समय ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ड्यूडिनम अल्सर जो होता है, जो उसके आगे का अल्सर होता है, वो आपको 30 से 50 साल के बीच के अंदर देखने को मिल जाता है। ज्यादा कॉफी वगैरह आप लेते हैं, ज्यादा चाय का सेवन करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको स्टमक का अल्सर होता है, और अगर आप लंबे समय तक उपवास या भूखे रहते हैं तो आपको आगे का अल्सर, ड्यूडिनम अल्सर हो जाता है। अब इसके कुछ सिम्टम भी आते हैं, जैसे उल्टी आना, घबराहट होना, आपको खून की उल्टी भी आएगी, टॉयलेट के अंदर भी खून आ सकता है, गैस रहने की दिक्कत, जलन रहेगी आपके, वेट या तो गेन होगा या कम हो जाएगा। जैसा मैंने बताया आपको, दो तरह के अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनम अल्सर। तो जो गैस्ट्रिक या स्टमक का अल्सर होता है, उसमें क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो आपको पेन होता है, इसलिए आदमी खाना खाना छोड़ देते हैं। लेकिन जो ड्यूडिनम अल्सर है, उसके अंदर खाना खाने के बाद आपको पेन खत्म हो जाता है, आराम मिल जाता है पूरी तरह से, इसलिए क्या होता है, जब भी पेन होता है तो आप वो इंसान खाना खाएगा। तो ड्यूडिनम अल्सर वालों का तो वेट बढ़ेगा, और जो गैस्ट्रिक अल्सर है उसका वेट कम होता जाता है, ये कंडीशन आती है। इसके साथ ही भूख नहीं लगनी या फिर ज्यादा लगना, या फिर डिहाइड्रेशन, ज्यादा खाना पीना नहीं करोगे तो आपको पानी की कमी भी शरीर के अंदर हो जाती है। इसके बाद अब ये गैस ज्यादा बनती है तो आपको प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्निंग जैसी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। अब इसके साथ ही अपने बात करते हैं कि जो इसके डायग्नोसिस है, या हम किसके अंदर किस तरीके से इसके जांचें करते हैं। देखिए, पेट की अल्ट्रासोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट, अगर मान लीजिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसको ब्लड के द्वारा हम जांच सकते हैं कि ब्लड के अंदर ये इन्फेक्शन है या नहीं है। यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी हम कर लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, डब्ल्यूबीसी की जांच करते हैं इसके अंदर, और गैस्ट्रोस्कोपी या एंडोस्कोपी जिसे आप कहते हैं, पेट के अंदर दूरबीन डालकर चेक करना कि कहां पर क्या अल्सर है। इसी दूरबीन के साथ ही कई बार इसका ट्रीटमेंट भी, हल्की पुल्की अगर हो तो उसको वहीं पर ही प्लास्टिक वगैरह उसको रिपेयर कर दिया जाता है और उसको सही कर दिया जाता है इस प्रोसेस के अंदर ही, वरना
टॉयलेट में अगर ब्लीडिंग आ रही है तो उसकी भी जांच की जाती है। और मान लीजिए घाव बहुत लंबे समय से है और आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, तो इसकी बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कहीं ये कैंसर या किसी और चीज की गांठ तो या फिर घाव तो नहीं है, क्योंकि लंबे समय तक ये घाव बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं जो दिक्कत देते हैं। अब इस कंडीशन के अंदर देखिए हम कुछ ट्रीटमेंट के ऊपर जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम क्या करते हैं, तो एंटीबायोटिक थेरेपी हम इसके अंदर स्टार्ट करते हैं, मेट्रिंडाजोल, लेफ्ट्रोक्सिम, आप इसके अंदर ऑफ्लोक्साइरिंडाजोल भी स्टार्ट कर देते हैं। तो काफी सारी एंटीबायोटिक आती है जो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग ही सेट करता है, तो आपको जो भी मेडिसिन लेनी है डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही लेना है। ये मेडिसिन की वीडियो सिर्फ आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहे हैं जो डॉक्टर देता है, अदरवाइज आपको जाना सिर्फ डॉक्टर के पास है और उससे ही मेडिसिन लेनी है। अब इसके बाद कुछ सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट, जैसे अगर आपको वोमिटिंग आ रही है तो ओंडास्टोरन, पेरिनोरम वगैरह, अगर आपको गैस की दिक्कत होती है तो इसके अंदर ये मस्ट होती है कि आपको या तो प्रोटोन पंप इनहिबिटर या H2 ब्लॉकर, जैसे आप लोग पेंटाप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, ये ऐसी मेडिसिन आप लेते हैं, ठीक है, जिससे आपके गैस बननी बंद होती है तो उसमें भी काफी असर होता है। या फिर जो पीने के लिए आती है जैसे मैग्नीशियम आती है जिससे गैस के लिए काम आती है, तो ये इसके अंदर काफी ज्यादा रिलीफ पैदा करती है। उसके साथ ही हम इसके अंदर जो म्यूकोसक मेम्ब्रेन है, जो आपको बताई कि आपके आहार नाल में जहां पर वो घाव हुआ है उस परत के ऊपर, उस घाव को भरने के लिए इसके अंदर सुक्राल फैट का यूज किया जाता है। सुक्राल फैट नाम से भी इसके अंदर सिरप वगैरह आपको देखने को मिल जाती है, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जो बहुत जल्दी क्योर करता है, ये आपके घाव को भरता है। इसकी जो डोज होती है 5 ml BD डोज चलाई जाती है कुछ दिन के लिए, फिर से आपको काफी घाव के अंदर आराम मिलता है, घाव रिपेयर होता है। साथ में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर एंटीबायोटिक की तरह ही काम करते हैं, ये भी इसके अंदर दिए जाते हैं। वोमिटिंग, एंटा एसिड, साथ में अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, मान लीजिए कई बार क्या होता है ब्लीडिंग ज्यादा होती है तो हम टर्मनेक्समिक एसिड या फिर विटामिन के की खुराक भी इसके अंदर देते हैं ताकि ब्लीडिंग को रोका जा सके। इसके साथ ही फर्दर ट्रीटमेंट में अगर मान लीजिए बायोप्सी में कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उसकी भी ट्रीटमेंट उसी अकॉर्डिंग कैंसर कीमोथेरेपियां वगैरह और सर्जिकल रिमूवल देखा जाता है। अब बात आती है अगर ये मेंटेनेंस सही ना हो, मेडिसिन से सही ना हो, मान लीजिए आपने रिपेयर किया, ब्लीडिंग रिपेयर हो गई, एक बार रुक गई लेकिन थोड़ी देर 24 घंटे में वापस आने लगी ब्लीडिंग ज्यादा, तो आपको इसके अंदर सर्जरी करनी जरूरी हो जाती है, तो डॉक्टर इसके अंदर सर्जरियां करता है, इसको रिप्लेस कर देता है, काट देता है उस एरिया को या तो बाकी एरिया को जोड़ देता है या फिर उसको रिपेयर करने का काम किया जाता है। इसके अंदर काफी सर्जरियां होती है। इसके साथ ही इसके अंदर कोलोइडल बिस्मथ जो होती है टैबलेट मेडिसिन चलाई जाती है, तो ये 240 mg की आती है जो BD डोज के अकॉर्डिंग इसके अंदर चलाई जाती है, डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग इसको चलाता है, इसका भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है ये घाव वगैरह भरने के लिए। अब सर्जरी की बात की जाए तो सर्जरी में इसको रिपेयर किया जाता है या फिर इसको काट कर अलग कर दिया जाता है, और अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट भी इसके अकॉर्डिंग चलाया जाता है। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो पेप्टिक अल्सर पे, आपके पेट में होने वाला अल्सर या घाव जिसे आप कहते हैं उसके ऊपर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हम हैं आप हैं मेडिकल ज्ञान। थैंक यू वेरी मच।